हेलो एवरीवन, आज हम अपने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर जहाँ पे हमने टॉपिक अपने फर्स्ट पार्ट में एंड किया था, डेरिवेटिव्स और एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ ओरल कैविटी। तो क्या क्या डेरिवेटिव्स हो सकते हैं या क्या क्या जो एडिशनल पोर्शंस हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स हो सकते हैं ओरल कैविटी की, उनके बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि देख पा रहे हैं नीचे मेंशन किए हैं कि कुछ टीथ होते हैं, टंग होते हैं, और कुछ ओरल ग्लैंड्स होती हैं, या जो एंटीरियर मिडल लोब की भी कुछ ओरिजिनेटेड ग्लैंड्स होती हैं, जो कि यहाँ पर मेंशन किया एडेनो हाइपोफाइसिस, जो कि पिट्यूटरी का एक पार्ट बनाने का काम करता है। इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो टीथ की अगर हम बात करें तो हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं और जनरली पॉइंटेड होते हैं, जो कि अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें या ग्नैथोस्टोमेट्स की बात करें हम, तो ये जॉ बोन्स में अरेंज रहते हैं एक पर्टिकुलर मैनर में, और ये जनरली फूड के मेस्टिकेशन या फूड को ट्रैप करने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। तो दो टाइप के टीथ हम वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं, एक एपिडर्मल टीथ होते हैं, दूसरे ट्रू टीथ होते हैं, मतलब जो बोनी वाले टीथ हैं वो होते हैं। तो एपिडर्मल टीथ्स आर हॉर्नी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन साइक्लोस्टोम्स। तो ये जो एपिडर्मल टीथ है, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम का एक फॉर्म होता है, जो कि हम ऑलरेडी इंटेगमेंट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से स्ट्रेटम कॉर्नियम काफ़ी सारे फॉर्म्स में बॉडी में कॉर्निफिकेशन वाले जो पोर्शंस हैं वो बनाता है। तो साइक्लोस्टोम में ये पाए जाते हैं क्योंकि ये टीथ जनरली उनमें रिमूव भी कर दिए जाते हैं कुछ टाइम के बाद। और अदर इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कुछ जो टेडपोल्स हैं या जो फ्रॉग हैं, इनके जो लिप्स में जो टीथ एम्बेडेड होते हैं वो एपिडर्मल टीथ के एग्जांपल होते हैं। कुछ इसके अलावा कुछ बीक्स में, टर्टल की कुछ बीक्स में कुछ प्रोजेक्शन लाइक दिखते हैं जो टीथ, वो इसी का एक एग्जांपल है। कुछ बर्ड्स में अपीयर होते हैं, जो डक बिल है या सिरेनियंस एनिमल्स हैं, इनमें भी देखने को हमें ये मिल जाते हैं। अब ट्रू टीथ यानी जो बोनी टीथ हैं वो लगभग लगभग सभी वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट द एग्नेथन्स और स्टर्जन जो फिशेज हैं, और कुछ टोड्स हैं जो सिरेन्स होते हैं या टर्टल्स होते हैं, और मॉडर्न बर्ड्स में तो टीथ जनरली प्रेजेंट नहीं होते, उनमें सिर्फ बीक ही पाई जाती है। तो टीथ का जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पॉलीफायोडोंट या एक्रोडोंट या होमोडोंट टाइप के हो सकते हैं, ये इसकी कैटेगरी है टीथ की, जो कि फिश, एम्फीविया और मोस्टली रेप्टाइल्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो डायफायोडोंट है या थीकोडोंट है या हेट्रोडोंट है, ये मैमल्स में देखने को मिलते हैं। इस डेंटिशन का जो एम है पॉलीफायोडोंट में, कोई पर्टिकुलरली उसके जो टीथ का जो क्राउन वाला पोर्शन है ऊपर वाला, वो डिवाइडेड नहीं होता है, जबकि डायफायोडोंट या थीकोडोंट या हेट्रोडोंट में उनके जो टीथ का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, तो इस तरह के टीथ दिखते हैं। टीथ्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लैकॉइड स्केल ऑफ शार्क, जो कि हमने सबसे पहले शार्क के स्केल्स की बात हम करते हैं, जो प्रिमिटिव टाइप के स्केल्स होते हैं, प्लैकॉइड स्केल जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें डेंटिशन प्रेजेंट होता है। तो वो डेंटिशन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल टीथ से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, इवन इन उसमें भी डेंटिशन इसी टाइप का देखने को अपीयर होता है। उसकी भी जो सराउंडिंग वाली ऊपर वाली जो पोर्शन होता है उसको हम एनिमल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि इसी कारण से जो प्लैकॉइड स्केल है उनसे ओरिजिन या उसके सिमिलैरिटी के थ्रू ये इवॉल्व होकर के फर्दर एनिमल्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे हमारे टीथ की बात, किस तरह से हमने जनरली जो इस पे इस पोर्शन में हमें ज़्यादा फोकस करना है कि जो प्रिमिटिव यानी जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे फिश या एम्फीविया हैं, तो इनमें जो टीथ के टाइप्स हैं ये जनरली एक्रोडोंट है, होमोडोंट है या पॉलीफायोडोंट टाइप का इनमें डेंटिशन देखने को मिलता है, या इस टाइप के टीथ इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम करें हायर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें डायफायोडोंट, थीकोडोंट
और हेट्रोडोन टाइप के टीथ का डेंटिशन देखने को मिल सकता है। सेकंड हमारा जो ऑर्गन है या डेरिवेटिव है, इसको हम टंग, जो कि ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, जनरली सारे वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। और इस स्ट्रक्चर में, यानी ये जो टंग वाला स्ट्रक्चर है, काफ़ी सारी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है एनिमल्स में, और ये होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एक कंपैरेटिव अकाउंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जो टंग वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा वेरियस होता है। अगर साइक्लोस्टोम की बात करें तो इनमें एक थिक फ्लैशी और एक्सेंशाइल टाइप की बिल्कुल बेसिक टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो कि इनके बकल फ्लोर को कवर करके रखता है, और इसके अंदर जो है हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो टीथ होते हैं वही ब्लड को सक करने का काम यहाँ पर कर रहे होते हैं। अब प्रिमिटिव टाइप की जो टंग है, यानी जो फिशेज में और जो नेक्ट्यूरस है हमारा, जो एम्फीबिया, इनमें देखने को मिलती है, वो जनरली इमोबाइल होती है, या उसमें मसल्स के बहुत ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, या नॉन मस्कुलर होती है, और इसके अलावा उसमें सेंसरी जो एलिवेशन है वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सेंसेस का फंक्शन वहाँ पर ज़्यादा होता है। और कई कई बार हम इन टंग में टीथ की प्रेजेंस भी देख पाते हैं, जो कि कई टीलियोस्ट का एग्जाम्पल है, या कई टीलियोस्ट का एक कैरेक्टर भी होता है। अगर एम्फीवियंस के टीथ की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी टाइप के होते हैं, और एंटीरियर एंड पर अटैच होते हैं, और पोस्टीरियर एंड इनका जनरली फ्री होता है, क्योंकि ये वहाँ पर जनरली रिमूव किए जाते रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, तो इस तरह से वहाँ पर ये काम करते हैं। अगर टोट्स की बात करें, या एम्फीबिया या रेप्टाइल्स में कुछ हमें देखते हैं कि एक डेफिनेट टाइप की टंग इनमें पाई जाती है, जो प्रे को कैप्चर करने के लिए वहाँ पर कई बार काम करती है, क्योंकि जनरली एक स्टिकी जो टंग है वो इजीली प्रे को स्टिक करा लेते हैं, जैसे कि फ्रॉग में हमने देखा हुआ था, टाइप स्टडी ऑफ फ्रॉग में, कि किस तरह से फ्रॉग अपनी टंग को बाहर की तरफ फेंकता है, और उसका जो स्टिकी सिक्रीशन है उस पर कोई भी जो इंसेक्ट है या उसका जो भी फूड पार्टिकल है ट्रैप हो करके उसके माउथ के अंदर आ जाता है। टर्टल्स की बात करें हम, क्रोकोडाइल्स की बात करें, बर्ड्स, वेल्स, तो इनमें टंग टोटली इमोबाइल होती है, यानी वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। अभी हमने देखा कि कुछ एम्फीविया, कुछ रेप्टाइल्स अपनी टंग को बाहर की तरफ थ्रो करा सकते हैं, जिससे वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को, फंक्शंस को परफॉर्म करा सकते हैं, लेकिन जो क्रोकोडाइल्स हैं या बर्ड्स हैं, वेल्स हैं, इनकी जनरली इस तरह से ये इमोबाइल होती है। इसके अपोजिट अगर हम स्नेक और कुछ लिजार्ड की बात करें, और कुछ बर्ड्स की बात करें, या जो कुछ मैमल्स होते हैं, इनमें भी टंग वेरियस टाइप में मॉडिफाई हो सकती है, तो ये कई बार एक लॉन्ग हाइली और प्रोटेक्टाइल ट्यूब की तरह वहाँ पर काम करती है। अभी हम देखेंगे किस तरह से ये एंट ईटर जो होते हैं अपनी टंग को ही एक फूड कैप्चरिंग ऑर्गन की तरह वहाँ पर काम कराता है, जिससे वो किसी भी एंट को सक करके अपने बकल कैविटी के इनसाइड ले लेता है। इसके अलावा जो इस लेजार्ट या स्नेक हैं, इनमें बायफोक्ड होती है, यानी उनमें एक फोर्क प्रेजेंट होती है, जो कि एक रिटेक्टाइल ऑर्गन की तरह वहाँ पर काम करती है, यानी सेंसेशन का काम उनमें करती है। साथ ही साथ ये उनके थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, जो एक्सेस ऑफ हीट है वो इस टंग के थ्रू बाहर की तरफ इजेक्ट करने का काम करते हैं, और बॉडी को कूल करके रखने का काम करते हैं स्नेक्स और लेजार्ड में। अगर मैमल्स की हम बात करें, तो उनकी जो टंग है बकल कैविटी से बहुत टाइटली अटैच रहती है, बकल कैविटी के फ्लोर पर वहाँ पर लिगामेंट्स पाए जाते हैं, जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे हम कहते हैं फ्रेन्युलम। तो इसका प्रिंसिपल रोल जो मेमेलियन टंग के फॉर्म में यही है कि ये फूड के स्वेलिंग करने के लिए, और इसके अलावा जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे इस टंग के ऊपर ही स्प्रेड होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो ह्यूमन टंग, इसके अलावा इन ह्यूमन की स्पीच का जो एक फंक्शन है, यानी जो बोल पाने की क्षमता है,
तो एक कैपेसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर टंग प्रॉपरली वर्क ना करे तो इनका साउंड सिस्टम अलग ही टाइप की वॉइस निकालेगा और किसी भी टाइप की लैंग्वेज को बोल पाना इम्पॉसिबल होगा। एमनियोट्स की टंग की अगर हम बात करें तो ये 4 पार्ट के फ्यूजन से होकर के बनी होती है। एमनियोट्स मीन्स यहाँ पर हायर वर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें प्राइमरी टंग्स होती है जो कि एक मस्कुलर ग्लैंडुलर पार्ट होता है, उसके बाद जो ट्यूबरकुलम कहलाता है एम्पायर, और उसके बाद 2 लिंगुअल फोल्ड्स होते हैं और इस जो नीचे की तरफ वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इतने सारे जो पोर्शन हैं ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप की जो हमारी टंग है यानी जो हायर वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाली टंग है, इन सब चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं। इसके अपोजिट अगर हम बात करें लोअर वर्टिब्रेट्स में, इस तरह का कॉम्प्लेक्सिसिटी या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। तो ये इतने सारे टाइप्स के हम टंग्स की बात कर रहे थे, तो अब मैं वन बाय वन आप सबको दिखाता जाता हूँ कि किस तरह से किस किस एनिमल में किस टाइप की टंग को हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। अगर फिश की हम बात करें तो इसमें बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की टंग होती है, जनरली इमोबाइल होती है और फ्लैशी होती है, कई बार इसमें मसल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो लाइक लैम्प्रे है और यानी साइक्लोस्टोम है, इसमें टंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसकी टंग एज अ रेस्पिंग ऑर्गन की तरह यहाँ पर काम कर रही होती है, जिसके अंदर हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टीथ प्रेजेंट होते हैं जो टीथ एक इंजेक्शन की तरह वहाँ पे काम करते हैं, वो इंजेक्ट करके यानी ब्लड को सक करा के बॉडी के अंदर ले जाने का काम करते हैं, तो एज अ जो भी रेस्पिंग ऑर्गन की तरह यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। नेक्टूरस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्टूरस यानी मड पपी जो कि एम्फीविया में आता है, एम्फीविया में आता है, तो इसमें प्रिमिटिव टाइप की टंग होती है जो कि इसकी ओरल कैविटी से अटैच होती है और जनरली ये इमोबाइल टाइप की होती है। बर्ड्स की टंग कुछ इस तरह से होती है, इसमें कुछ स्पाइनी पैपिलास पाए जाते हैं, जनरली फूड को ये जो भी फूड है उसको जल्दी से ट्रैप करके कैप्चर करके माउथ में या कोई भी जो ग्रेन्स हैं उनको यहाँ पर अटैच करके रखने का काम करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके बिहेवियर में पेरेंटल केयर ये शो करती हैं अपने जो भी इनके यंग वंस हैं उनके लिए ये फूड को यहाँ पर कलेक्ट करके ले जाती हैं, देन उनको इससे प्रोवाइड करा दी है। सेलामेंडर की अगर हम बात करें तो इसकी प्रोट्रूसिबल टंग होती है, यानी मुंह के बाहर इजीली निकल करके आने वाली या मोबाइल टंग को हम प्रोट्रूसिबल टर्म देते हैं। साथ ही साथ इसकी जो टिप होती है वो स्वेलन होती है। स्वेलन होने के पीछे रीज़न ये है कि इस स्वेलन टिप पर स्टिकी पोर्शन काफ़ी सारा होता है, और ये स्टिकी पोर्शन इनको जो भी इंसेक्ट है उनको यहाँ पे अटैच करके जल्दी से अंदर ले जाने का काम करती हैं और इस तरह से ये खाते हैं। फ्रॉग की अगर हम बात करें तो फ्रॉग में ऑलरेडी हम टाइप स्टडी में ये देख चुके हैं कि किस तरह से इसकी इस वाले पोर्शन में यानी ये अपर जो लोअर लिप वाला जो इंटीरियर पोर्शन है वहाँ पर ये टंग अटैच रहती है और काफ़ी स्टिकी रहती है, ये भी प्रोट्रूसिबल रहती है और काफ़ी मस्कुलर रहती है ताकि जल्दी से ये बाहर ले जा करके इंसेक्ट को ट्रैप करके बॉडी के अंदर ले जाता है। और एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है फ्रॉग और कैमलियन में कि फोल्डिंग यहाँ पर नहीं होती है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था फोल्डिंग करने का काम जो क्रीचर करता है दैट इज़ कैमलियन जो रेप्टाइल के अंदर आता है। तो रेप्टाइल के अंदर ये जो है इसकी टंग है ये काफ़ी एक वॉर्म लाइक प्रोस्ट्रूसिबल काफ़ी लंबी टंग होती है जिसमें मस्कुलर पोर्शन होते हैं जो यहाँ पर बाय फोल्डिंग का काम भी कर सकते हैं या फोल्ड करा करके अंदर ये पूरे अपने एक जो भी इसका प्रे है उसको कैच करके ले जा सकता है। इसके अलावा जो वुड पिकर होते हैं इनमें एक वॉच स्प्रिंग के लाइक की होती है, यानी एक बहुत लंबी टाइप की टंग होती है जो जनरली यहाँ से ये अपने जो भी फूड है उसको ट्रैप करके जल्दी से मुंह के अंदर ले जाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैट होते हैं, जो बैट की जनरली हम बात करें तो ये वैम्पायर बैट की बात करें तो वो ब्लड सक करता है, लेकिन जनरली जो फ्रूट बैट है वो फ्रूट को फीड करने का काम करते हैं। तो जो भी इनकी स्पाइनी टंग है वो फूड को जो उसका ऊपर वाले जो पोर्शन है उसको रिमूव करने के लिए ये वहाँ पर काम आती है,
और ताकि ये इजीली उस फ्रूट को देन फीड कर सकें। स्नेक और लिजार्ड में हम देखते हैं कि जो भी टंग है वो बाइफर्केटेड होती है, तो ये भी यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन के लिए काम आती है, साथ ही साथ सेंसेशन के लिए यहाँ पर ये काम आती है। जबकि कुछ लिजार्ड में हम देखते हैं कि इनकी जो टंग है वो भी बाइफिड होती है, और यहाँ से सेंसेशन का ये ट्रैप करती है। इसके अलावा ये थर्मो रेगुलेशन में भी काम करती है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरह से इसकी जो टंग है वो यहाँ पर एक शीथ से पीछे की तरफ ग्लॉटिस में जा करके अटैच होती है और बहुत ज़्यादा सेंसेशन का काम कर पाती है। ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी ब्रॉड और फोर जो इसके कंपोनेंट्स हैं उससे मिलकर के ये एक फ्लैशी टंग प्रिपेयर होती है, और इसमें बहुत सारे छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक जो हैं वो टेस्ट बड की पैपिला यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और एज अ टेस्ट ऑर्गन ये काम करती है। इसके अलावा वॉइस को प्रोड्यूस कराने का काम भी टंग के थ्रू होता है। जो लीमर की बात करें तो इसमें डबल टंग होती है, या एक तरह से देखा जाए तो ये जो टंग है इजीली अटैच नहीं हो पाती जो इसके कंपोनेंट है, तो इस तरह की टंग लीमर में देखने को मिलती है। जो फ्लैमिंगो है इसमें एक पिस्टन लाइक टंग प्रेजेंट होती है, और ये इसको काफ़ी सारी थिंग्स को परफॉर्म करने, जनरली जो भी इसका जो फूड है उसको यहाँ से टैप करके एकदम से सक करके, मतलब एक फोर्स वैक्यूम क्लीनर की तरह फोर्स को जनरेट करा के अंदर ले जाने का काम करा सकती है। तो एज अ पिस्टन ये यहाँ पर काम करती है। इसके अलावा जो हमारा ग्रेट एंट ईटर है भाई, ये एंट पर फीड करता है, तो इसका जो सबसे जो मेन ऑर्गन है वो इसकी काफ़ी लंबी और जो नैरो विप लाइक टंग होती है वो होती है, क्योंकि जनरली ये एक सकिंग मेथड के थ्रू अंदर जो एंट है उसको यहाँ से सक करके अंदर की तरफ अपनी सीधे बकल कैविटी में ले जाता है, देन उस पर फीड कर पाता है। अगर ये टंग ना हो तो चींटियों को खाने में ये कैपेबल नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं ओरल ग्लैंड्स की, यानी कौन कौन सी ओरल ग्लैंड्स हैं और या ओरल ग्लैंड्स के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, किस किस फॉर्म में वो वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है। अगर ग्लैंड की ओपनिंग की बात करें माउथ कैविटी में, तो उनके जो नेमिंग है या उनका नॉमन क्लेचर है वो उनकी लोकेशन पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर पैलेटाइन पोर्शन में है तो उस लिंगुअल है या सब लिंगुअल है, मैक्सिलरी है, लेबियल है, पैरोटिड है, जहाँ पर भी वो सिचुएटेड होंगी जिस लोकेशन में, उनके नाम या उनका नॉमेनक्लेचर उसी पर दिया जाता है। तो इस तरह इस हिसाब से कुछ जो एक्वाटिक फॉर्म्स होते हैं उनमें ज़्यादा इस टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती है। पर जैसे जैसे हम लोअर वर्टिब्रेट से हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ जाते हैं तो इनकी कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ती जाती है, या बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन हम टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा फिश में जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, जो स्वेलविंग में हेल्प करती है, और स्नेक की जो पॉइजन ग्लैंड्स हैं वो एक इनका स्पेशल फीचर है। ये सब ओरल ग्लैंड के मॉडिफाइड फॉर्म हैं। इसके अलावा जो सलाइवरी ग्लैंड है मैमल्स में जनरली जो पाई जाती है वो सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इतने टाइप के ये मॉडिफाइड ग्लैंड्स एक ओरल कैविटी में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब एडिनो हाइपोफाइसिस की अगर हम बात करें, या पिटीट्री ग्लैंड जो है जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और जो कि ऑल ओवर द जो भी एंडोक्राइन सिस्टम उस पर कंट्रोलिंग का काम करती है, तो इसका जो एक पोर्शन हम देखते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ये दो तीन पोर्शन से मिल करके बनी होती है। तो नीचे वाला जो एडिनोफाइसिस हाइपोफाइसिस का पोर्शन है वो समहाउ उसका ओरिजिन प्लेस ऑफ ओरिजिन ओरल कैविटी से मिलता जुलता होता है।
तो इसी के एक वेंट्रल इवेजिनेशन जो होता है डाइनसेफेलॉन्स की तरफ जाता है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं, फॉर्म्स अ पोस्टीरियर लोब टर्म्ड पास नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसेस, वेरीज अ डोर्सल डाइवर्टिकुलम स्टोमेडिशियम कॉल्ड रात के स्पॉकेट, जो कि रात के स्पॉकेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जो नीचे की तरफ बनता है। ये सारे के सारे समहाउ हेल्प करते हैं एक पिट्यूटरी ग्लैंड को फॉर्म कराने के लिए। अब फेरिंग्स की तरफ हम चलते हैं। तो ये यहाँ पर हमने ओरल कैविटी के सारे जो डेरिवेटिव्स थे उनकी स्टडी कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फेरिंग्स की तरफ। तो फेरिंग्स जो कि वकल कैविटी के पीछे की तरफ जो जिसे फोर गट के अंदर आता है, वो वाला पोर्शन हम इसे कहते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स में। अगर फिशेज में बात करें तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव होता है और परफोरेटेड होता है, जो जा करके गिल चैम्बर्स में, गिल स्लिट्स के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होता है। यानी हम देखते हैं कि वाटर को फिश माउथ से एंटर करा करके इन्हीं चैम्बर के थ्रू बाहर निकाल देती है, और एक्वाटिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अगर आप बात करें तो रेस्पिरेशन की, फिशेस की रेस्पिरेशन इन फिशेस में हमने ये चैम्बर के बारे में देखा है। टेट्रापोड की अगर हम बात करें तो काफ़ी शॉर्ट होता है ये, और रेस्पिरेटरी और फूड पैसेज के बीच में ये एक क्रॉस रोड बनाता है, यानी एक बैरियर की तरह काम करता है कि रेस्पिरेटरी और जो भी फूड का पासेज है वो दोनों मिक्सअप ना हो पाए वहाँ पर, और अलग अलग प्रॉपरली काम करते रहें। इसके अलावा फिशेज में इसी से स्पाइरिकल का ओरिजिन होता है, गिल क्लेफ्स बनते हैं। फर्दर जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेजन के बाद देखते हैं हायर वर्टिब्रेट में, तो लंग्स का फॉर्मेशन यहीं से होता है। लंग्स जो कि जो एयर ब्लैडर का मॉडिफाइड फॉर्म होता है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। टॉन्सिल्स जो हैं, एंडोक्राइन सिस्टम है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ये सारे के सारे इस फेरिंग्स से ही ओरिजिन होते हैं। अब फेरिंग्स के पीछे की तरफ, फेरिंग्स काफ़ी छोटा पोर्शन था लेकिन काफ़ी सारे एक्सेसिव ऑर्गन को ओरिजिन देने का काम कर रहा था। फेरिंग्स के पीछे ईसोफेगस यानी जो फूड पाइप है ये पीछे की तरफ ओपन होती है। तो ईसोफेगस की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन देखते हैं। तो ईसोफेगस एक सिंपल मस्कुलर डिस्टेंसिबल ट्यूब के फॉर्म में जनरली होती है, और इसकी लेंथ उसके नेक के लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकती है। अगर कोई नेकलेस जिनमें नेक नहीं पाई जाती है इस टाइप के जो फिशेज और एम्फीबियन है, तो ये काफ़ी शॉर्ट हो सकती है। जबकि एमनियोट्स की बात करें तो स्टमक से ले करके, यानी जो एक फेरिंग्स वाले पीछे से ले करके स्टमक तक जाने का रास्ता काफ़ी लंबा हो सकता है। तो इनमें काफ़ी बड़ी ये ईसोफेगस देखने को मिलती है। इसके अलावा इलास्मोब्रैंक में इसमें कुछ फ्लैशी पैपेलास प्रेजेंट होती हैं। कुछ टर्टल्स में हम देखते हैं कि हॉर्नी पैपेला इसके अंदर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है। और जो ग्रेन फीडिंग बर्ड हैं जैसे कि पिजन हैं, या तो इनमें जो ईसोफेगस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को बनाने का काम करता है, दैट इज़ स्क्रॉप ग्लैंड, जो पिजन्स मिल्क सिक्रीट कराने का काम करती है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कई बार कि क्रॉप्स ग्लैंड आपसे पूछा जाए तो आप कैसे उसको आंसर करना है, क्योंकि क्रॉप ग्लैंड से जो एक न्यूट्रिटिव को बनाने का काम करती है, जो अपने यंग वंस को फीड कराते हैं इस टाइप के बर्ड्स, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। इसके बाद पिजन के दोनों सेक्सेस में ये क्रॉप ग्लैंड देखने को मिलती है, और ये प्रोलेक्टिन लाइक जो मटेरियल है या केमिकल उसको सिक्रीट कराती है, जिसे हम पिजन्स मिल्क बोलते हैं, और ये अपने माउथ के थ्रू अपने यंग वंस को उससे फीड करा लेते हैं। अब जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो इस ईसोफेगस के थ्रू पीछे की तरफ मूव करते हैं, यानी स्टमक की तरफ मूव करते हैं, और ईसोफेगस इन फूड पार्टिकल्स को यहाँ पे पूरा बाइंड करके रखने का काम कर रहा होता है, यानी वो यहाँ वहाँ ना जाएं। साथ ही साथ ये एक बैरियर की तरह काम करता है कि फूड पार्टिकल को ऊपर जाने से भी रोकता है, यानी आगे तरफ ना जाएं, वो सिर्फ पीछे की तरफ ही जाते जाएं ताकि उनका इजीली डाइजेशन हो सके।
इसमें काफ़ी सारे मसल फाइबर्स पाए जाते हैं इसके इंटीरियर पार्ट में, जो कि जिनके मूवमेंट के थ्रू ही जो फूड है वो नीचे की तरफ मूव करता है, यानी स्टमक की तरफ आगे बढ़ता है। और ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो जनरली तो इनवॉलेंट्री मसल्स के थ्रू कंट्रोल की जाती है, लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शन जो एनिमल्स हैं, यानी जो रूमिनेंट्स हैं, जो हम जनरली हमारे कैटल्स होते हैं, इनमें हम देखते हैं कि ये जो ईसोफेगस है ये वॉलेंट्री और स्ट्रिप्ड मसल से होते हैं, यानी एक कंट्रोलेबल मैकेनिज्म होती है। अगर हम इनकी बात करें रूमिनेंट्स की, तो ये फूड को सीधे एंटर करा लेते हैं पहले अपने स्टमक के एक चैम्बर में, रूमेन में, देन उस फूड को ये ऊपर की तरफ वापस लाते हैं ताकि उसको इजीली च्वी कर सकें और फिर ये वापस कर सकें। तो ये सिर्फ रूमिनेंट्स में इस तरह से वॉलेंट्री मसल से कंट्रोल होती है। अब नेक्स्ट हमारा पोर्शन आता है स्टमक। ईसोफेगस के पीछे की तरफ ये जो पोर्शन ओपन होता है, दैट इज स्टमक। एक सेक लाइक मस्कुलर इनलार्ज चैम्बर होता है और इंटेस्टाइन और ईसोफेगस को कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद इसके काफ़ी सारी इसमें डोर्सल जो मेसेंट्रीज हैं वो आकर के अटैच होती हैं, और इसमें टेम्परेरीली हम बहुत सारे फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो सॉलिड फूड है उसका यहाँ पर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन का काम भी किया जाता है। काफ़ी सारे एंजाइम्स, काफ़ी सारे जूसेस फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम यहाँ पर करते हैं। एक ट्रू स्टमक की अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉर्डेट, साइक्लोस्टोम या जो काइमेराज फिशेज हैं, लंग फिशेज हैं, और कुछ प्रिमिटिव टीलियोस्ट हैं, इनमें कोई ट्रू स्टमक नहीं पाया जाता है, बल्कि कोई एक अलग मॉडिफाइड चैम्बर होता है, जो कि हमने लेवियो रोहिता में भी देखा था कि कोई ट्रू स्टमक वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, बल्कि एक इलोंगेटेड इंटेस्टाइनल चैम्बर वहाँ पर पाया जा रहा था। तो इसकी जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है उनमें काफ़ी सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन करने का काम करते हैं, तो उसी को हम जनरली ट्रू स्टमक मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर इसके एंटीरियर एंड की बात करें हमें स्टमक के, तो ये ईसोफेगस से और हार्ट के नियर पे प्रेजेंट होता है, और इसे हम कार्डियक एंड के पास भी जानते हैं, यानी जो हमारा पेरिकार्डियम वाला पोर्शन है उसकी लाइनिंग के जस्ट ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ऊपर वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो दैट इज कार्डियक एंड या कार्डियक स्टमक हम कहते हैं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस जो है नियर बाय द हार्ट होती है, ये जो पेरिकार्डियम के पास होती है। लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है उसे हम जनरली पाइलोरिक एंड या पाइलोरिक चैम्बर के नाम से जानते हैं। कुछ 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 में ये एक वॉल्व के थ्रू डिवाइडेड भी होता है, जिसे हम पाइलोरिक वॉल्व या स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। हमने ऑब्जर्व किया ये कुछ फिशेज में, ये लोअर वर्टिब्रेट्स में, कि वहाँ पर दोनों स्टमक के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। जनरली फिशेज में ये देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो स्टमक है वो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हम देखें, और ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन से ही बनना स्टार्ट हो जाता है, थ्रू आउट द लाइफ ये वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। कुछ एनिमल्स में ये स्पिंडल शेप्ड होता है, जैसे कि प्रोटियस, नेक्टूरस जो हैं, या स्नेक्स हैं। स्नेक में तो काफ़ी इलोंगेटेड स्टमक पाया जाता है, जो कि उसका एक पेक्यूलियर कैरेक्टर है। इसके अलावा इसमें कई बार बीच में कर्व होते हैं, जो कि इसके स्ट्रक्चर को जनरली जे शेप या यू शेप अपीयर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर स्टमक की बात करें तो काफ़ी सारी छोटी छोटी बॉर्डर से ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हो सकता है। यहाँ पर कुछ जो स्टमक के कुछ कॉनकेव बॉर्डर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, कि किस तरह से उसका लेज़र कार्वेचर होता है, या पीछे की तरफ लार्जर कॉन्वेक्स वाली बॉर्डर होती है, और किस तरह से उसकी जो लेयर्स हैं उनका अरेंजमेंट देखने को हमें मिल सकता है।
और इन्हीं कार्वेचर के एक्सपेंशन के कारण काफ़ी सारे फूड को ये जो स्टमक है वो एक साथ कलेक्ट करके रखने के लिए कैपेबल होता है। अगर हम जनरली बहुत ज़्यादा खाना भी अगर कई बार आप खा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके स्टमक में जगह नहीं रहती, वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है वहाँ पर और फूड के लिए जगह बनाता है। हालांकि इससे प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं क्योंकि वहाँ पर जितनी जगह है उससे उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। पॉलिप्टेरस की अगर हम बात करें तो एक ब्लाइंड पाउच के फॉर्म होती है, इनमें कार्डियक और पाइलोरिक लिम्ब के बीच में, हमने ये देखा हुआ है कंपेरेटिव स्टडी जब हमने की है फिशेज में जो टाइप स्टडी की थी। और क्रोकोडाइल या जो सी डीटिंग बर्ड है, इनका जो स्टमक है वो एंटीरियर थिन वॉल्ड से, जिसे प्रो वेंट्रिकुलस कहते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और नीचे की तरफ थिक वॉल्ड होता है जबकि, और जिसे हम गिजार्ड का नाम देते हैं, जो और ज़्यादा मेस्टिकेशन के काम का परफॉर्म करा सकता है। क्योंकि ये जो सीड ईटिंग बर्ड्स हैं, ये जनरली इनके पास टीथ भी नहीं होते हैं और ये इस पूरे ग्रेन्स को एक बार में ईट कर रही होती हैं, और तो उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन करने के लिए ये मॉडिफिकेशन देखते हैं। इसके अलावा जो आपका क्रोकोडाइल है, ये भी सीधे अपने प्रे को निगलने का काम करता है, उसको स्वेलविंग का काम करता है, तो इस तरह के मॉडिफिकेशन इसके स्टमक में देखने को मिलते हैं। मैमल की अगर स्टमक की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा हायर काइंड ऑफ जो मॉडिफिकेशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो नहीं तीन पोर्शंस को इसको डिवाइड करते हैं, जो ऊपर वाला जो नियर बाय द पेरिकार्डियम है उसको कार्डियक स्टमक, इनके बीच में एक फंडिक स्टमक, और सबसे नीचे वाला जो है पायरोरिक स्टमक होता है। तो और ये तीनों के फंक्शंस वेरियस होते हैं और जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो यहाँ पर कंप्लीट कराते हैं। क्योंकि कार्डिच्यूइंग मैमल्स हैं, यानी जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे काऊ या कैटल्स हैं, इनमें एक और कॉम्प्लेक्स स्टमक हम देखते हैं, जिसे हम फोर वेल डिफाइंड चैम्बर्स के फॉर्म में इजीली डिस्टिंग कर सकते हैं। जो फर्स्ट चैम्बर होता है इनका रूमेन होता है, देन रेटिकुलम, देन ओमेसम, तो इस तरह से ये थ्री चैम्बर होते हैं जो कि ईसोफेगस के मॉडिफिकेशन भी कई बार माने जाते हैं, हालांकि वो प्रेजेंट स्टमक पर ही होते हैं। और ये तीनों मिलकर के यहाँ पर फूड को एक बार अंदर लेना, फिर वापस मेस्टिकेट कराना, देन अंदर लेना, देन उसके बाद उसको स्टमक तक पहुँचाने का काम कराते हैं। जो लास्ट चेम्बर होता है जो एबोमेसम है, उसे ही है, स्टमक रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से चार पोर्शंस में ये डिवाइडेड होता है। कैमल की अगर हम बात करें तो कैमल में जो ओमेसम है वो एब्सेंट होता है, और बल्कि वहाँ पे मॉडिफाई हो जाता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे जो वाटर सेल से बनी होती है, और यहाँ पर वो वाटर को कंजर्व करके रखने का काम करता है, इसलिए जो कैमल है उसको काफ़ी दिन तक पानी पीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, पाइलोरिक इनलार्जमेंट की अगर हम बात करें तो ये ब्लड सकिंग जो बैट्स होते हैं उनमें ब्लड को स्टोर करने का काम भी करते हैं, यानी जो ब्लड सकिंग बैट है, जो हमारा छोटा जो वेम्पायर बैट है, वो उसमें जो पाइलोरिक इनलार्जमेंट है वहाँ पर वो काफ़ी सारे ब्लड को कलेक्ट करके रख लेता है, देन उस पर वो लंबे समय तक फीड करता रहता है। इसके अलावा जो मोनोट्रीमेट्स हैं उनका जो स्टमक है वो अलग ही टाइप के मॉडिफिकेशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हिस्टोलॉजी की बात करें स्टमक की, तो सबसे ऊपर उसमें मस्कुलरिस म्यूकोसा होती है, और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स होती हैं, इनर सर्कुलर मसल लेयर होती है, और सबसे अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है उसे हम एपिथेलियम लाइनिंग कहते हैं, जो कि इसके अंदर का जो भी गैस्ट्रिक जो जूस हैं, जिसमें जनरली जो आपका डाइल्यूटेड HCl पाया जाता है, उससे भी इनको प्रिवेंट करके रखने का काम करती है। साथ ही साथ वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को वहाँ पर ओरिजिन करने, उनके न्यूट्रिशन करने और उनको इजीली कंडक्ट कराने का काम भी कर पाती है।
जो कार्डियक फंडे या पाइलोरिक वाली जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिर्फ म्यूकस नेक सेल्स पाई जाती है, इनमें ऑक्सेंटिक सेल्स होती हैं जो कि डाइल्यूट HCl को सिक्रीट करती हैं, जाइमोजन सेल्स होती हैं जो कि पेप्सिन नाम के एंजाइम को बनाती हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन का काम करता है। तो इस तरह से इसकी हिस्टोलॉजी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत सारे यहाँ पर सिक्रीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम बात कर रहे थे जैसे कि स्टमक के स्ट्रक्चर की, उसके कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले जो गार यानी जो बीलोन फिश है इसमें या सेलामेंडर में इस टाइप का बिल्कुल एक ट्यूब लाइक स्टमक प्रेजेंट होता है। इसमें कोई भी शेप नहीं है, कोई भी कर्व नहीं है, इस तरह के स्टमक देखने को मिलते हैं। यूरोडेल में हम बीच में एक चैम्बर या एक थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि प्रोटियस जो एनिमल है उसमें देखने को मिलता है। जो हमारा वाटर स्नेक है ट्रोपिडोनोटस, उसमें ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है। हालांकि ये भी अभी सिंपल है, इसमें कोई कर्व नहीं है, बस ऊपर की तरफ थोड़े से प्रोजेक्शन दिख पा रहे हैं। इसके अलावा शार्क में हमें ये जे शेप का अपियर होता है, ये देखिए इस तरह से ये जे शेप का दिखता है जो कि हम टाइप स्टडी ऑफ स्कोलियोडोन में भी देख चुके हैं। इसके अलावा जो गोबियस फिश होती है, गोबियस शार्क होती है, उसमें इस टाइप का स्टमक दिखता है। जो सील होती हैं, जो सील है उसके अंदर भी ये काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स होता है। ऊपर काफ़ी सारे डाइवर्शन देखने को मिलते हैं और नीचे का जो कर्व है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। लंग फिशेज में ये जनरली सिंपल होता है और इस तरह से ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी एंडिंग वाली पोर्शन में जो ओपनिंग है ना हो करके इसके थोड़ा सा इंटीरियर पोर्शन में होती है और ये यहाँ से आगे की तरफ इंटेस्टाइन में बढ़ जाता है। पिजिन में हम देखते हैं कि इसमें एक गिजार्ड प्रेजेंट होता है और ये यहाँ पर मेस्टिकेशन का काम परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लेटिपस में भी हम देख रहे हैं कि ये स्टमक के स्टोरेज के लिए यहाँ पर एक चैम्बर प्रेजेंट होता है, यानी जो इसका जो पाइलोरिक वाला चैम्बर हम देख चुके हैं कि कई सारे ऑर्गेनिज्म में ये सिर्फ और सिर्फ फूड को स्टोर करके रखने का काम कर पा रहा है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी दिनों तक ये एनिमल्स जो हैं ऐसी कंडीशन में रहते हैं कि ये फूड इनके पास अवेलेबल ना हो। अगर रूमिनेंट की बात करें तो इनमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का जो एक स्टमक है वो प्रेजेंट होता है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। रैबिट जो कि मैमल को रिप्रेजेंट करने वाला है, उसका स्टमक ऑलमोस्ट मैमल की तरह यानी ह्यूमन बीइंग की तरह ही होता है और इस तरह से ये ओपन होता है, जे शेप का ये रिप्रेजेंट करता है। देख पा रहे हैं मैन का भी यहाँ पर है और ये जहाँ पर स्टमक एंड होता है वहाँ पर ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो लैंड टर्टल हैं इनका यू शेप का इनमें स्टमक पाया जाता है, यानी जो टेस्टुडो है इनमें यू शेप का स्टमक देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा इसमें कर्व्स नहीं है, चैम्बर्स नहीं है, तो काफ़ी सिंपल टाइप का ये होता है। टॉर्टोइज में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यू शेप का है, लेकिन इसके जो कार्डियक वाला पोर्शन है वो एक कंजर्व फूड के कंजर्वेटर की तरह यहाँ पर काम कर पा रहा है, जबकि यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। कैंगरू में इसमें नीचे की तरफ इसके पूरे ओवरऑल स्टमक में कुछ कुछ इस तरह के मोडिफिकेशन होते हैं जो फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट कराने के लिए यहाँ पर एक मोडिफिकेशन होता है। रूमिनेंट्स की हम बात कर रहे थे, कट च्यूइंग मैमल्स की, तो ये देखिए यहाँ पर किस तरह से ये काम कर रहा होता है। सॉरी, फूड को पहले तो ये एनिमल्स अपने बॉडी ईसोफेगस इनके वॉलंटियर्ड होती है तो ये अपनी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। फूड को ये इस तरह से पहले तो रूमेन में ला करके स्टोर करते हैं, फिर ये फूड यहाँ से रूमेन से होता हुआ रेटिकुलम में जा करके काफ़ी देर तक ये स्टोर कर लेते हैं। फिर इस रेटिकुलम से ये वापस ऊपर की तरफ वॉलेंटर होता है, यानी वॉलेंट्री इस ईसोफेगस से माउथ में ले जाते हैं, देन ये उसको च्यूइंग करने का काम करते हैं। जो भी च्यूइंग हुआ फूड है वो यहाँ से
अब रूमेन या रेटिकुलम में ना जा करके सीधे स्टमक की तरफ आगे बढ़ता है और देन यहाँ उसका डाइजेशन किया जाता है। तो इस तरह से इसमें चार चैम्बर पाए जाते हैं, रूमेन, रेटिकुलम और इसके बाद जो ओमेसम है, ये चार चैम्बर हैं। और जो एबोमेसम है इसको हम ट्रू स्टमक के फॉर्म में जानते हैं, जो इसके डाइजेशन को आगे बढ़ाने का काम करता है। थैंक यू।